नमस्कार, मैं अंजलि। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। आइए जानते हैं फिल्मी दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर ये आ रही है कि साउथ के सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ 2 का ट्रेलर आ गया है। यह अभी ट्रेंडिंग सेक्शन पे नंबर वन पे है। इस वीडियो को बनाने से पहले इसे 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। यह मूवी आपके सिनेमा घर में 14 अप्रैल को आएगी। एक इंटरव्यू में यश ने यह बताया कि उन्हें संजय दत्त के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्हें इस मूवी का फीडबैक का बहुत जल्द इंतजार है। दूसरी खबर ये आ रही कि अक्षय कुमार की फिल्म मिशन सिमरेला का रिलीज डेट आ गया। मूवी थिएटर पर नहीं, सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। आप इस मूवी को डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकेंगे। 29 अप्रैल को यह फिल्म आपके डिज्नी हॉटस्टार प्रीमियम पर आ जाएगी। अक्षय कुमार की बात करें तो उनकी जो मूवी है बच्चन पांडे, उसकी थिएटर पर बहुत धीमी गति चल रही है। तीसरी खबर यह आ रही कि विद्युत जानवाल की अब हम उनको शेर सिंह राणा की बायोपिक में देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस फिल्म में शेर सिंह राणा के बारे में बताएगा, जहां शेर सिंह राणा पृथ्वीराज चौहान के 800 साल के अवशेषों को इंडिया कैसे लाते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इस मूवी में थ्रिलर और एक्शन दोनों है। यह मूवी श्री नारायण सिंह के निर्देशन में बनेगी। इस मूवी की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। चौथी खबर यह आ रही कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का रिलीज डेट आ गया। वह रिलीज 11 अगस्त को होगी। एक इंटरव्यू में आमिर खान ने यह बताया कि वह इस फिल्म से पहले इंडस्ट्री को क्विट करने वाले थे। उन्होंने कहा कि फिल्मी जिंदगी से उनके पर्सनल लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ रही थी। उसके बाद उनके परिवारों ने उन्हें समझाया और उन्हें मोटिवेट किया। वह तो ये भी कह रहे थे कि इस फिल्म के बाद वह इंडस्ट्री से दूर हो जाएंगे। एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जूनियर एनटीआर रामचरण और आलिया भट्ट की फिल्म आरआर ने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा के रखा है। इसी मूवी की हिंदी डब ने पहले ही संडे 30 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली। हिंदी वर्ल्ड की बात करें तो यह मूवी ने 450 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली एक हफ्ते में। आरा ने पहले ही दिन बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी के साथ भारतीय सिनेमा का नंबर वन ओपनिंग फिल्म बन गया यह मूवी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ।